एनुअल टैक्सेबल है सैलरी में। हेडिंग में डाल दिया ये फॉर्मेट, चूंकि जी ये आपको कैसे पता लगा? क्योंकि आपने फॉर्मेट याद किया हुआ है, हमने मैंने जो आपको पूरा फॉर्मेट याद करवाया हुआ है, यानी अगर किसी स्टूडेंट ने भी इस सवाल को अटेम्प्ट करना है तो जो मेरा गिवन फॉर्मेट है अगर वो आता हो उसमें से एक तो उसका ये क्वेश्चन हो जाता है, दूसरा इसके अलावा 2 से 3 क्यूरी के भी क्वेश्चन हो जाते हैं। चले जी आगे चले। बेसिक सैलरी सर 4 लाख रुपया एनुअल है सर, इसकी टैक्सेबल है, कन्वेंस अलाउंस इसका टैक्सेबल है, ये देखिए ना आईडी मैं कार्ड अलाउंस बेसिक सैलरी में। ये देखो आप उधर से बोली जा रहे हो, मैं इधर हाईलाइट किए जा रहा हूँ, ठीक है? अच्छा अच्छा चले नेक्स्ट ठीक है। कन्वेंस अलाउंस 30,000 एनुअली है, ये नेक्स्ट टैक्सेबल है। मेडिकल अलाउंस एनुअल है, इसमें 10% बेसिक सैलरी का लेस हो जाएगा वो अब 20 जो में से भी आएगा। 40 माइनस नहीं हो सकता, तो आगे डैश लग गई। अच्छा ठीक है ओके। और इसके बाद है ट्रैवल एक्सपेंसेस रिइंबर्समेंट बाय एम्प्लॉयर, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे कौन तो टैक्स 21,000 होता है? रुपये। टीएडीए पे कोई टैक्स नहीं होता। हाँ ठीक है, ये इस पे एग्जेम्पशन है ठीक है। और हाउस फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय मिस्टर सामिर, ही इज इंटाइटल्ड टू अ मंथली हाउस रेंट अलाउंस 10,000। ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस सर ये हाउस रेंट अलाउंस यार जो होता है ना सर अकोमोडेशन फैसिलिटी में जाता है ना, हम एनुअल रेंट लेंगे और 45% आप बेसिक ठीक सैलरी लेंगे, इन दोनों में से जो हायर होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। हो गया। एनुअल रेंट देखे ना 10,000 महीने का है तो साल का 1,20,000 बन गया, 4 लाख का 45% ने 1,80,000 बन गया, दोनों में से जो हायर है वो टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट चले। बिजनेस इनकम प्रॉपर्टी वाला हेड खाली है तो ये देखिए मैंने खाली छोड़ दिया। आगे बिजनेस में सर इनकम है जी 42,000, 35,000 उसको ये ट्वेल्व आएगी पर मल्टीप्लाई, मंथ है, इसको मल्टीप्लाई 12, मल्टीप्लाई 12 ये बनेगी 4,20,000 रुपया। जबरदस्त। नेक्स्ट ओके टैक्सेबल एडजस्टेबल टैक्स, एडजस्टेबल टैक्स पेड ऑन मोबाइल यार टैक्स इनकम। पेड जो होता है वो स्टेप 5 होता है, मैंने आपको 5 स्टेप कंप्यूटेशन के सिखाए थे, यानी कोई भी जी स्टूडेंट जी अगर 5 स्टेप कंप्यूटेशन की सीख लेता है तो वो आराम से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है, और 5 हेड्स और 5 स्टेप सीख ले तो कर सकता है। तो अभी जो है ये उधर जाएगा जब हम स्टेप 5 आएगा, ठीक है? नेक्स्ट कैपिटल गेन ऑन पब्लिक कंपनी, 5 साल के बाद तो कोई टैक्स नहीं लगता पब्लिक कंपनी पे, 4 साल तक लगता है, जी याद है जी आपको? 4 ईयर है, 4 ईयर्स के बाद जी, 4 ईयर है, 4 ईयर के बाद अगर होगा तो 0% टैक्स। जबरदस्त जबरदस्त, ये और पब्लिक कंपनी है प्राइवेट नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चले। ये है जी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अदर ये मैंने सोर्स में याद, जाएगा जी। ये देखिए अरे अब ये हाँ पूरे पूरी और लाइन, उसको अब मैं इस पूरी लाइन को मैं ऐड कर लूंगा तो ये मेरे पास 10 लाख ये आ गया। जकात इसमें से मैं माइनस कर दूंगा, जकात टैक्सेबल इनकम निकल आएगी चैंपियन, ठीक है और उसके बाद मुझे स्टेबल में जाना है और टैक्स बनाना है, ऐसे ही है। स्टेप 1 लगेगा इसका। ये यहाँ आ रहा है, इस स्लैब में आ रहा है, स्लैब 2 में। लैब इसका सर 10 लाख, 10,65,000 आएगा, तीसरे नंबर पे आएगा, हाँ, और दूसरे इसमें से नंबर पे हम आएगा। इस पे 5% 5% इसका सर एनुअल है, एक्सीडेड 6 लाख जो है उससे एक्सीडेड हो उसके लग ऊपर 5% लगेगा, गया यार। तो ये अब हम बनेगा क्या जी करेंगे, स्टेप 2 कितना नहीं है, स्टेप 3 पे जा रहे हैं। 4 लाख स्टेप 3 में क्या होता है, ग्रॉस टैक्स लेते हैं, डोनेशन। डोनेशन लेते हैं, इसको इस पे डिवाइड करते हैं टैक्सेबल इनकम पे, ये आंसर। इसमें से ये माइनस, इसमें से ये माइनस, इसमें से ये माइनस, तो ये आंसर। और लास्ट में स्टेप 5 मैंने आपको बताया था टैक्स पेड ऑन मोबाइल, वो इसमें से माइनस होके ये हमारा टैक्स पेबल निकल आएगा। ये हमारा क्या निकल आएगा, एडजस्टेबल सर जो भी होता है एडवांस एडजस्टेबल वो लेस होते हैं हमेशा। जो भी टैक्स पेड इन एडवांस होता है ना वो लेस होता है। ठीक हो गया।